अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का गोश्त जो बहुत जल्दी बनके तैयार होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन ले लीजिए, पैन में हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ये गोश्त है, गोश्त मैंने क्लीन कर लिया है वॉश करके अच्छी तरह, और ये हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा है। 2 मीडियम साइज अनियन लिए हैं, उन्हें स्लाइस करके रख लिया है। साबुत लाल मिर्च हैं 5 से 6, और 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 लौंग हैं, और कुछ 8-10 पेपरकॉर्न हैं, काली मिर्च है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही जीरा लिया है। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें, और 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। ऑयल गर्म हो गया है, मैंने इसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। इसमें अनियन ऐड करेंगे और अनियन को सौते करेंगे। मैंने इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का जो क्रश करके रखा था 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। अभी सौते कर लिया, और हम इसमें गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल चली जाए, इतना फ्राई करेंगे। गोश्त जो अच्छी तरह फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जो ड्राई मसाले थे सारे ऐड कर दिए हैं। होल चिली भी ऐड कर दी है, उसको अच्छी तरह भूनेंगे। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1.5 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, और विसिल लगा के रख देंगे कुक करने के लिए 5 मिनट्स तक। 2-3 विसिल देनी है। चलिए विसिल आने के बाद मिलते हैं। विसिल आ चुकी है, गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब इसे हम भून लेंगे, पानी ड्राई कर लेंगे। ये पानी ड्राई हो गया है, हम इसमें योगर्ट ऐड करी हूँ, दही जो था उसे ऐड कर दिया, और अच्छी तरह इसको भूनना है। ये देखिए गोश्त अच्छा भून गया है, मसाले अच्छी तरह भून गए। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून, और इसे मिक्स कर दिया है। अब 2 हरी मिर्च ऐड कर दी हैं, मसाले को 1 मिनट और भून लिया है। इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आप इसको भुना हुआ भी रख सकते हैं मसाले को, और आप चाहे तो ग्रेवी भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी थोड़ा भुना हुआ। अब मैंने कोरिएंडर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया चॉप किया हुआ। ये देखिए हमारा खड़े मसाले का गोश्त रेडी है, चलिए अब सर्व कर लेते हैं। जब भी आपको जल्दी कुछ बनाना हो तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।